आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या रखा है कि इन एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ पॉजिटिव टर्म द सम ऑफ सेकेंड एंड सिक्स टर्म इज 70/3 के बराबर है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 49 के बराबर दे रखा है। देन सम ऑफ फोर्थ एंड सिक्स एंड एथ टर्म इज, यहां से आपने क्या करा है कि सिक्स और फोर्थ और एट टर्म का जो सम है वो किसके बराबर है। यहां पर पहले दे रखा है सिक्स और सेकेंड टर्म का जो सम है वो आपने क्या 70/3 के बराबर है। यहां पर चलिए आपने क्या वो जीपी का है, फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं और कॉमन रेशियो क्या मान लेते हैं आर के बराबर। ठीक है, अब आपने क्या क्वेश्चन में बताइए, क्वेश्चन में दे रखा है आपने ए टू और प्लस टर्म्स आपने क्या ए छे इक्वल टू दे रखा है आपने क्या 70/ किसके बराबर दे रखा है 3 के बराबर। यहां से आपने क्या एक इक्वेशन आ जाएगा, बताइए ए टू आपने क्या आ जाएंगे ए आर के बराबर और ए सिक्स मतलब ए आर के पावर 5 के बराबर इक्वल टू आपने क्या आ जाएंगे 70/3 के बराबर। हाँ या ना, एक इक्वेशन आपने क्या यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, रहने दीजिए। अगला आपने क्या क्या कह रहा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म यानी ए थ्री और इन टू आपने क्या आ जाएंगे ए फाइव इक्वल टू किस बराबर दे रखा है तो 70/ आपने क्या 49 के बराबर दे रखा है। हाँ या ना, ए थ्री मतलब आपने क्या ए आर की पावर 2 और ए आपने क्या 5 मतलब ए आर की पावर आपने किस पर आ जाएंगे 3 के बराबर, ये हो जाएंगे नहीं 4 के बराबर, ए आर की पावर आपने किस पर आ जाएंगे 4 के बराबर इक्वल टू आपने किस पर आ जाएंगे 49 के बराबर। यहाँ से आपने कैसे बताओ, तो यहाँ से आ गया आपने के पास ए और आर की पावर आपने क्या 6 के बराबर है, ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 6 इक्वल टू आ गया 49 के बराबर। यहाँ से आपने के पास क्या कीजिए ए इंटू आर की पावर 3 इन पूरे का आपने क्या होल स्क्वायर लिख सकते क्या, हाँ लिख सकते हैं, इक्वल टू आ गया आपने 49 के बराबर। यहाँ से आपने कैसे बताओ ए आर क्यू इक्वल टू आपने किस पर आ जाएंगे तो ये 7 के बराबर। आपको ये -7 क्यों नहीं रखे, तो -7 क्वेश्चन में देखो क्या तरह कि इफ इन एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ अ पॉजिटिव टर्म, अपने के सारे टर्म पॉजिटिव है तो यहाँ से आपने क्या इस दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कहीं से तो आ ही नहीं सकता है, तो यहाँ से ए आर क्यू इक्वल टू आ गया 7 के बराबर। अब यहाँ से आपने इसमें क्या करो ए आर कॉमन ले लेते हैं, जैसे ए आर कॉमन लेंगे तो आपने क्या हमें ए और आर निकालना अल्टीमेट काम ये है, तो यहाँ से आगे आपने किस बराबर ए आर कॉमन ले लेंगे तो आपने क्या आ जाएंगे आर की पावर 3, आर की पावर 3 नहीं बल्कि आर की पावर 4 इक्वल टू आगे किस बराबर 70/3 के बराबर। हाँ या ना, यहाँ से आपने के पास क्या करें ए आर निकाल लेते हैं, ए आर इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 7/r² के बराबर। यहाँ से आपने क्या बताओ 7/r² और इंटू आपने किस बराबर आ जाएंगे तो ए आर का वैल्यू आ गया 7/r 1+r की पावर 4 और इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 70/3 के बराबर। यहाँ से आपने क्या क्या करो थोड़े बहुत सॉल्व कर लो, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लेते हैं, यहाँ से आगे आपने क्या 7 × 70 कुछ नहीं करें, इसका वैल्यू हम यहाँ पर चिपका दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे आपने क्या 70 तो यहाँ से आगे आपने क्या 1+r⁴ और अपॉन में r² इक्वल टू किस पर आ जाएंगे 10/3 के बराबर। यहाँ से आपने क्या आर में बाई क्वाड्रेटिक बन रहा है, बाई क्वाड्रेटिक में सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ से आपने क्या करो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ से r² को हम क्या मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं, जैसे r² को अल्फा मानोगे तो यहाँ से अपने कैसे बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो किस पर आ जाएंगे बताओ, यहाँ से आगे 1+α² और इक्वल टू किस पर आ जाएंगे तो यहाँ से आगे आपने क्या 10α यही हो जाएंगे और इनटू आपने क्या आ जाएंगे 3 के बराबर, यानी तो डायरेक्ट लिख लो यहाँ से आपने क्या 3+3α² और इक्वल टू किस पर आ जाएंगे 10α के बराबर। यहाँ से आगे आपने क्या 3α² और -(-10α) और प्लस टाइम्स आपने किस पर आ जाएंगे तो 3=0 के बराबर। अल्फा के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से अल्फा के लिए जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आगे आपने के पास 3α² फैक्टर कर रहे हैं और कुछ नहीं, तो -(-9α) और -(-1+3) और -(-1) नहीं बल्कि अल्फा और +3=0 के बराबर। यहाँ से 3α कॉमन ले लेंगे तो अल्फा -3 के बराबर हो जाएंगे, -1 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा -3=2 आगे आपने के 0 के बराबर। यहाँ से अल्फा -3 पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आगे आपने के 3α और -1=2 आगे आपने के 0 के बराबर। यहाँ से α=2 आगे आपने के 3 के बराबर और यहाँ से α=2 आगे आपने के 1/3 के बराबर। हाँ आना, अल्फा मतलब r² किस पर आ जाएंगे तो 3 के बराबर और यहाँ से r² किस पर आ जाएंगे तो 1/3 के बराबर, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ से r² किस पर आ जाएंगे +-√3 के बराबर और यहाँ से r² किस पर आ जाएंगे +-1/√3 के बराबर, किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। आर का आपने कहा 4 वैल्यू आ गया, कोई आपने कहा 3 वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट क्यों, क्वेश्चंस में आपने कहा क्वेश्चंस का लैंग्वेज पढ़िए, क्वेश्चंस के लैंग्वेज में क्या करा है कि इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या इंक्रीजिंग है, जब ज्योमेट्रिक इंक्रीजिंग है तो आर तो आपने कहा कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता है, आर क्या 1 से कम नहीं हो सकता है, तो इसके कारण ये दोनों आपने कहा रिजेक्ट हो गया। अब ये कहां भाग गया, एक सेकेंड, ठीक है, इसके कारण ये दोनों रिजेक्ट हो गया। और आपने कहा आर आपने कहा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहां से आपने कहा पॉजिटिव दे रखा है तो आर आपने कहा नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, तो आर इक्वल टू आपने कहा सिर्फ और सिर्फ
रूट थ्री बचेगा, यानी आपने कहा कॉमन रेशियो क्या गया रूट थ्री के बराबर है। जब कॉमन रेशियो रूट थ्री के बराबर हो गया तो यहाँ से आपने कहा ए बताओ, ए आपने कहा निकाल सकते हैं क्योंकि हमें हमारे पास ए ही निकालना है अल्टीमेट काम, ठीक है। तो यहाँ से आपने के पास ए आर की पावर थ्री इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, तो यहाँ से आगे अपने के पास सेवन के बराबर है, हाँ या ना, यहाँ से आ गया सेवन के बराबर। तो यहाँ से आगे अपने के पास ए इंटू, यहाँ से आगे अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ सेवन, स्क्वायर रूट ऑफ सेवन नहीं बल्कि स्क्वायर रूट ऑफ थ्री इन पूरी की पावर थ्री इक्वल टू आगे अपने का सेवन के बराबर, यानी ए इक्वल टू किस आ जाएंगे तो सेवन अपॉन में थ्री की पावर अपने का थ्री इंटू, बताओ यहाँ से आगे अपने के पास थ्री इंटू रूट थ्री के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो ए इक्वल टू आगे अपने का सेवन अपॉन में थ्री इंटू रूट थ्री के बराबर, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। और आर आपने का इसके बराबर हो गया, आर इक्वल टू आगे स्क्वायर रूट ऑफ रूट थ्री के बराबर। अब हमारे पास क्वेश्चन में जो पूछा है उस सारे का वैल्यू अपने का निकालते जाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है फोर्थ टर्म, फिर सिक्स टर्म और एट टर्म का सम पूछा है। यहाँ से आपने कहा ए फोर निकालो प्लस टर्म्स ए छः निकालो, और प्लस टर्म्स ए आपने कहा क्या है तो ए फोर छः और ए आठ, बताओ यहाँ से आपने कहा ए फोर मतलब आपने के पास ए आर क्यू है ना, और प्लस टर्म्स आपने कहा बताओ ए आर क्यू, और ए सिक्स मतलब ए आर की पावर फाइव, और यहाँ से आपने कहा ए एट मतलब ए आर की पावर आपने कहा कितना आ जाएंगे तो सेवन के बराबर। यहाँ से आपने कहा ए आर क्यू कॉमन आ जाएगा, ए आर क्यू आपने कहा कितना आ जाएंगे तो वन, और प्लस टाइम्स जैसे क्यू कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर, और प्लस टाइम्स एक आ जाएंगे तो आर की पावर फोर के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से ए आर क्यू सेवन के बराबर है, इंटू आगे अपने पास वन प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आगे किस बराबर थ्री के बराबर, और आर की पावर अपने के पास देखो ए आर क्यू यहीं से देख लो ना, ठीक है। हम कैलकुलेट क्यों करें इतना, ए आर क्यू सेवन के बराबर है ना, और ये आगे थ्री के बराबर, और आर की पावर फोर, आर की पावर फोर नाइन के बराबर हो जाएगा, इतना तो कैलकुलेशन आता होगा। ये आगे नौ एक दस तीन तेरह, तो सेवन मल्टीप्लायर में अपने पास तेरह के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। यहाँ की आपने कहा तेरह के बराबर, तेरह सत्य इक्यानवे, 91 इज द फुल एंड फाइनल आंसर। 91 देखो आपने कहा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो 91 आपने के पास अच्छा 91 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे आपने कहा जेई मेंस के 8 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे आर के चार वैल्यू आए, रिजेक्ट क्यों हुआ, यहाँ पे आर इक्वल टू प्लस माइनस सेवन क्यों नहीं हुआ, रिजेक्ट क्यों हुआ, यहाँ पे आपने सब कुछ क्वेश्चन के लैंग्वेज में दे रखा है। तो बस इतना ही इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।